यूपी के हाथरस में भी नोट नहीं मिलने से एक शख्स की मौत का आरोप लगा है। यहां 50 साल के शेष कुमार को इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। मृतक की पत्नी मंजू बीमार पति के लिए इलाज के लिए पैसे निकालने बैंक गई थी, लेकिन बैंक से उन्हें सिर्फ 4000 रुपए मिले। जब तक घर वाले पैसे लेकर शेष कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते, उनकी मौत हो गई। शामली के कांदला में बैंक की लाइन में लगातार लगने से एक आदमी की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि 50 साल से इनाम टीबी की बीमारी से परेशान थे। गुरुवार को कई दिनों से परेशान इनाम बैंक की लाइन में लगे हुए थे, वहीं बेहोश होकर गिर गए। घर वालों ने उन्हें अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मथुरा के जय गुरुदेव मंदिर में 6 से 10 दिसंबर तक ये अनोखी शादी हो रही है। वैसे तो यहाँ हर साल ये आयोजन होता है, लेकिन इस बार नोटबंदी के कारण इस आयोजन की खासी चर्चा है। यहाँ दूर दूर से आए सैकड़ों नौजवान शादी के बंधन में बंध रहे हैं। बिहार के कटिहार में एक शादी समारोह में लगे पीएम मोदी के नारे। हाई प्रोफाइल शादी सादगी से की गई। पूरा आयोजन कैशलेस किया गया था और रिश्तेदारों ने मंच से ही पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आयोग की 2016 की पीसीएस प्री की परीक्षा के रिजल्ट रद्द कर दिए हैं और मुख्य परीक्षा के नतीजों को जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने के मामले में दिया है। कोर्ट ने प्री एग्जाम के नए रिजल्ट बनाने का आदेश दिया है। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस इतने दिनों बाद भी नजीब का पता नहीं लगा सकी। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कोई आदमी अचानक कैसे गायब हो सकता है। जेएनयू का छात्र नजीब अहमद पिछले 56 दिनों से लापता है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। दिल्ली महिला आयोग में सदस्य सचिव की नियुक्ति मामले में सीएम केजरीवाल और एलजी नजीब जंग एक बार फिर आमने सामने है। केजरीवाल सदस्य सचिव दिलराज कौर की नियुक्ति रद्द करते हुए मुख्य सचिव और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को एलजी का आदेश नहीं मानने को कहा है। दिलराज कौर की नियुक्ति एलजी नजीब जंग ने की थी। केजरीवाल ने सदस्य सचिव के पद पर पीपी ढल का काम करते रहने को कहा है। देश की पहली हम सफर ट्रेन चलने को तैयार है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का मुआयना किया। पहली हम सफर ट्रेन आनंद विहार से गोरखपुर के बीच चलेगी, जिसके सभी डिब्बे थर्ड एसी के होंगे। हमसफर ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। दिल्ली से गोरखपुर के बीच ट्रेन लखनऊ और कानपुर स्टेशन पर रुकेगी। हालांकि हमसफर का किराया आम गाड़ियों की तुलना में 15-20% महंगा हो सकता है। शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद पीटर मुखर्जी ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर लैपटॉप के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। पीटर मुखर्जी का कहना है कि वो लैपटॉप का इस्तेमाल अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने में करना चाहते हैं। पीटर मुखर्जी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके लिए हाथ से लिखना काफी मुश्किल होता है, इसलिए वो बिना इंटरनेट के लैपटॉप के इस्तेमाल की इजाजत चाहते हैं। मुंबई के माटुंगा इलाके में बीए रोड पर क्राइम ब्रांच ने 85 लाख रुपए के नोट बरामद किए हैं। इनमें से 73 लाख नए 2000 के नोट हैं, बाकी 12 लाख 100-100 के नोट हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही एक इनोवा गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आर्थर रोड जेल में बंद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल एंजियोग्राफी टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। जेल अधिकारियों ने पीएमएलए कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। कोर्ट 15 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजर्व सीटों के लिए चुने गए पार्षदों के लिए 6 महीने के भीतर जाति प्रमाण पत्र देने की समय सीमा को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र म्यूनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट का उल्लेख करते हुए कहा है कि पार्षदों को चुने जाने के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव अधिकारी के पास अपना जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। नोटबंदी का असर अब त्योहारों पर भी पड़ने लगा है। मुंबई में क्रिसमस से पहले खरीदारी में कमी देखी गई है। चर्च के बाहर कैंडल और दूसरी चीजें बेचने वाले दुकानदारों के मुताबिक छुट्टे नहीं होने की वजह से उनकी दुकानदारी कम हो गई है, जबकि इस वक्त हर साल खरीदारी बढ़ जाती है। इनकम नोटबंदी का असर त्योहारों पर भी पड़ने लगा है। मुंबई में क्रिसमस से पहले खरीदारी में कमी आई है। इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली की चांदनी चौक में एक्सिस बैंक की एक ब्रांच पर भी छापेमारी की। नोटबंदी के फैसले के बाद ब्रांच में करीब 450 करोड़ रुपए जमा हुए। इनकम टैक्स विभाग की रेड के दौरान 54 फर्जी खातों का पता चला, जिसमें 100 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इसी हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों को 3 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया था। इससे पहले एक्सिस बैंक ने अपने 19 ऐसे कर्मचारियों को निलंबित भी किया था। हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में नकदी खत्म होने के बाद लोगों ने बैंक आने जाने वाले सड़क को ब्लॉक कर दिया। लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की, कई घंटे तक रोड पर जाम लगा कर रखा। चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर संदिग्ध बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई। बम निरोधी दस्ते ने बम को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन गनीमत रही कि बैग में विस्फोटक जैसा कुछ भी नहीं मिला। बैग से कुछ कपड़े ही बरामद किए गए हैं। वडोदरा में लोकसभा के 2014 चुनाव में पीएम मोदी का प्रस्तावक बने किरण महिडा के ने अपनी चाय की दुकान पर पेटीएम से भुगतान लेना शुरू कर दिया है। किरण महिडा ने देश को कैशलेस बनाने में अपने सहयोग को बेहद अहम बताया है। पटना का एक सरकारी स्कूल पिछले 44 सालों से बिजली की आने का इंतजार कर रहा है। इस स्कूल में कभी बिजली नहीं रही है, लिहाजा 2006 में बनी पक्की इमारत में भी ठेकेदारों ने बिजली के तार तक डालना जरूरी नहीं समझा। शिमला के एक अस्पताल में गरीब मरीजों और तीमारदारों को रोजाना लंगर कराया जा रहा है। ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स नाम की संस्था के बच्चे बिना एब्सेंट किए रोजाना अपने घरों से खाना इकट्ठा करा के लंगर कराते हैं। उत्तर भारत में छाए घने कोहरे की वजह से माता वैष्णो देवी पहुंचने वाली सभी ट्रेनें 2 से 6 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं, और इसी तरह कटरा से भी चलने वाली ट्रेनें लेट हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लद्दाख में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा ठंड, और लेह में तापमान -11.5 डिग्री तो श्रीनगर में 3.4 तक पहुंच गया, और कई जगह जम गया तालाब का पानी भी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उन नेताओं को खुदगर्ज करार दिया है जो टिकट ना मिलने से नाराज होकर शिरोमणि अकाली दल छोड़ रहे हैं या छोड़ चुकी हैं। साथ ही सीएम बादल ने कहा है कि इस बार कांग्रेस की टिकट घोषित होने दीजिए, वहां भी घमासान हुई नजर आएगा। चंडीगढ़ के सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेमिनार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संबोधित किया। मनमोहन सिंह का भाषण ग्रामीण शिक्षा पर फोकस रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना आज की जरूरत बन गई है। सरकारी टीचर्स की सेवाओं को चुनावों और जनगणना में लगाने को भी मनमोहन सिंह ने गलत बताया। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध गुलदाउदी मेला सेक्टर 33 के टेरेस गार्डन में शुरू हो गया है। इस बार मेले में 264 तरह के गुलदाउदी फूलों की किस्मों को प्रदर्शन किया जाएगा। अनुमान है कि इस बार इस प्रदर्शनी में 2 लाख से ज्यादा लोग इसे देखने आएंगे। पंजाब के तरन तारण के हरीके पतन में
डक बस के ट्रायल की तैयारी करीब पूरी हो चुकी है और इसका पहला ट्रायल आज का होगा और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत खुद सुखबीर सिंह बादल 12 दिसंबर को करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस महीने निर्धारित भारत दौरा रद्द हो गया है क्योंकि भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद तारीखें तय नहीं की जा सकी। शेख हसीना को तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा के लिए भारत आना था। सूत्रों के मुताबिक अब शेख हसीना फरवरी में भारत का दौरा कर सकती हैं। चीन ने कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच सहयोग जारी रहेगा। चीन का ये बयान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आया है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को चीन से अपने रिश्तों को सुधारने की जरूरत है। मिस्र की राजधानी काहिरा में सरकारी बिल्डिंग के पास बम धमाका हुआ। इस धमाके में 6 पुलिस वालों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी तक किसी भी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। दक्षिण कोरिया की प्रेसिडेंट पार्क ग्वेन हे के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अगर इस प्रस्ताव को संवैधानिक अदालत से भी मंजूरी मिल जाती है तो ग्वेन हे को प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ेगा और ग्वेन हे और उनके करीबियों पर करीब 500 करोड़ रुपए के करप्शन का चार्ज है। इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप के बाद लोगों का जनजीवन अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। इस भूकंप में हजारों लोग बेघर हो गए थे। भूकंप से स्कूल, मस्जिद और सैकड़ों घर पूरी तरह से तबाह हो गए। भूकंप में 97 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पूर्वी मोसूल के इरबिल में लोगों का जनजीवन सामान्य होने लगा है। इस इलाके में यूनिसेफ ने बच्चों के लिए टेंट स्कूल बनाया है जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ ही स्पोर्ट्स और डांस भी सिखाया जा रहा है। इरबिल पर काफी समय से आईएसआईएस का कब्जा था। मेक्सिको के कोलिमा राज्य में ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है जिसके बाद पूरे इलाके में घने धुएं और राख का गुबार देखने को मिल रहा है। 3,800 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी रुक रुक कर बार बार सक्रिय हुआ है।